डार्क सर्कल्स पूरी फेस की लुक को खराब कर देते हैं और आपकी पर्सनालिटी को भी। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 8 वेज टू रिमूव द डार्क सर्कल्स इंक्लूडिंग द टिप्स दैट यू कैन डू एट होम टू रिमूव द अंडर आई डार्क सर्कल्स। सो आज का वीडियो सिर्फ डार्क सर्कल्स के बारे में है, तो एंड में मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब सबसे पहले डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं? डार्क सर्कल्स डेवलप 3 रीजंस की वजह से होते हैं। फर्स्ट इज एक्सेसिव पिगमेंटेशन, यानी कि अगर अंडर आईज के एरिया के अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाए तो पिगमेंटेशन के इफेक्ट की वजह से हमें अंडर आई डार्क सर्कल्स दिखते हैं। सेकेंड इज एक्सेसिव वैस्कुलैरिटी, अगर आप ध्यान से देखो आपकी जो अंडर आई की स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, इसकी वजह से जो नीचे के वेसल्स हैं वो अपने सारे चेंजेस को ईजिली रिफ्लेक्ट करते हैं। इस एरिया में स्पेशली लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर वर्किंग ऑफ द आईज। ये एक्यूमुलेशन कॉज करता है इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी को, जिससे कि इस तरह का अंडर आई इफेक्ट डार्क सर्कल्स का आपके फेस पे आता है। एंड थर्ड इज द शैडो इफेक्ट, बहुत सारे लोगों के आईज डीप सेट होते हैं, यानी कि बोन का कॉन्टूर ही ऐसा होता है कि आईज पीछे की तरफ होते हैं, तो जब लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो एक डार्क शैडो जैसा इफेक्ट देती है। ऐसे केसेस में एक्चुअली डार्क सर्कल्स होते नहीं हैं पर विजिबल होते हैं, दिखते हैं, इसीलिए पेशेंट उनके लिए ट्रीटमेंट जाते हैं। अब ये तो हुई बेसिक रीजंस कि डार्क सर्कल्स डेवलप क्यों होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको कंट्रीब्यूट करते हैं और इसकी वजह से डार्क सर्कल्स एग्रेवेट हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर दोज फैक्टर्स? द फर्स्ट इज जेनेटिक्स, इफ यू हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ डार्क सर्कल्स इन योर पेरेंट्स then you are very likely to have dark circles. Always remember, we cannot fight the genetics. Second is the diet. With these days, I see a lot of patients jinki diet bahut hi erratic hai. Bahut sare essential nutrients hi diet se missing hai. Jaise ki iron, essential amino acids, omega-3. In the deficiency of these, you will definitely have a tendency to develop the dark circles. Now third is the increased mobile and the screen times. Most of the times we are either on our laptops, we are either on our mobiles, raat ko without proper lighting, and all these cause the accumulation of end products, jo excretory products hote hain, exercise over use of eye muscles se, wo bhi eyes ke niche collect hone lag jate hain. Iski wajah se bhi dark circles hote hain. ऑल्सो जो ये ब्लू लाइट होती है इन डिवाइसेस में वो पिगमेंट प्रोडक्शन को एग्रेवेट और स्टिमुलेट करती है, आपके मेलानिन को स्टिमुलेट करती है। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ठीक से सोए नहीं हैं तो भी आप देखोगे कि नेक्स्ट डे आपके डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो गए हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो बॉडी के पास एक टाइम पीरियड होता है जब बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस करती है। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर स्लीप you will see that there is an increased tendency of the body to not to repair itself, jiski wajah se aapko ye dark circles dikhte hain. Add to this the sun exposure. Sun exposure is a very important cause of under eye dark circles because it can lead to the stimulation of melanin pigmentation. And kyunki yahan ki jo skin hai bahut thin hoti hai, isliye yahan effect sabse pehle aata hai. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आप कोई भी अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को उठा के देख लो और उसका कॉमन डिनोमिनेटर स्ट्रेस ही है। सो स्ट्रेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर योर डार्क सर्कल्स। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दीज डेवलप, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीज इट। अब हाउ डू वी ट्रीट इट? ट्रीटमेंट, देर आर सम ट्रीटमेंट्स वेयर यू नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर, दैट इज़ द ट्रीटमेंट्स जो कि हम क्लिनिक्स में करते हैं। यहाँ पर आपके पास केमिकल पील ऑप्शंस होते हैं, फिलर्स होते हैं, PRPs होते हैं, लेजर टोनिंग होते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम वर्क करते हैं आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स के ऊपर। साथ ही आपको एक होम केयर रेजिमेंट भी देते हैं टू टेक केयर ऑफ दीज डार्क सर्कल्स।
बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट होम रेमेडीज. आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो. सबसे पहले मेक श्योर दैट यू हैव एन एडिक्वेट स्लीप. स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप जितना अच्छे से सोओगे, जितनी डीप रीजनरेटिंग स्लीप लोगे, आपके डार्क सर्कल्स पे उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वो डिसअपियर होने लग जाएंगे. सेकेंड इज टेक ब्लू टिंटेड ग्लासेस एंड व्हेनेवर यू यूज द स्क्रीन्स मेक श्योर दैट यू वेयर देम एंड देन ओनली लुक एट द स्क्रीन्स. नाउ इसको स्टाइल के पर्पज से नहीं लेना. मेक श्योर दैट दे कवर एरिया टिल हियर. यहाँ नोज के पास तक का एरिया कवर हो, सिर्फ यहाँ तक का एरिया कवर ना हो, बिकॉज व्हाट विल हैपन, वो रेज फिर भी अंडर आई एरियाज को टच करेंगी और डार्क सर्कल्स को इंक्रीज करेंगी. सो मेक श्योर दैट यू टेक लिटिल बिगर ग्लासेस विच आर ब्लू टिंटेड एंड कवर योर फेस. थर्ड इज द यूवी प्रोटेक्शन. व्हेनेवर यू गो आउट इन द सन, मेक श्योर दैट यू वेयर योर सनस्क्रीन. Under the eyes also very diligently and protect them with UV tinted glasses. Make sure that you invest in a proper good quality UV tinted glasses so that jo sun damage hai wo aapke under eye areas ko damage na kar paaye. Ab also what you can do is maybe during the evening or in the morning, whenever you have the time, take cucumber slices. Keep them in the refrigerator for 10 to 15 minutes. Just take them out and put them on your eyes. Make sure that it covers your under eye area also. In halfway, 5 to 10 minutes usko rakho aur baad mein usko flip kar lo. I have seen not many people using tomatoes. Tomatoes is not a good choice to be used because it will irritate the skin and it will cause more pigmentation. So instead of that, use cucumber because cucumber will give a cooling effect and it also increases the circulation in that area. What you can also do is use the tea bags. Now tea bags, you can use the green tea bags or the regular tea bags. Make them wet. Dry tea bags nahi lena, aapne unko wet karna hai. Put them in the freezer for 5 to 10 minutes. Let them be a little cold and then you put them on your eyes. Make sure that you keep them on for 10 to 15 minutes, covering the whole eye area, the upper eye area and the under eye area. This will not only help to reduce the dark circles, but also will help to reduce the puffiness which you see in your eyes. सिंपल तरीके मैंने जो आपको बताए हैं आज, आई होप यू विल यूज देम, बट बिफोर देम ट्रीट द कॉज. इफ यू जस्ट कीप ऑन यूजिंग दीज मेथड्स एंड नॉट ट्रीट द कॉज, देन आपके डार्क सर्कल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हमेशा ट्रीट द कॉज फर्स्ट एंड देन डू दीज होम रेमेडीज. होप इट हेल्प्स.